हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है, PGDBF कोर्स के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है BOI की तरफ से, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है उसी के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी मिस्टेक अप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको कैसे आना है, आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट लिंक मैं प्रोवाइड कर रखा हूँ, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या भरने के लिए बोला जा रहा है, फर्स्ट आपको आपका बेसिक इन्फो, तो चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अभी आपको आपका फर्स्ट नेम भरना है। देन यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा उसको फिर से यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। देन यहाँ पे देखिए मिडिल नेम, यहाँ पे आपको आपका मिडिल नेम भरना है और उसको फिर से यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। और यहाँ पे आपको आपका लास्ट नेम यानी कि आपका टाइटल भरना है और यहाँ पे फिर से डालकर आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है और आपका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, समझ गए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भरने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भर देना, उसको यहाँ पे फिर से डालकर कंफर्म कर लेना। देन यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, अगर देना चाहते हो तो देना, अगर नहीं तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का स्टार मार्क नहीं है। जहां पे रेड कलर का स्टार मार्क है वो मैंडेटरी फील्ड है, उसको भरना कंपलसरी है, अगर उसको भरेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जहां पे रेड कलर का स्टार मार्क नहीं है तो वो फील्ड कंपलसरी नहीं है, अगर उसको चाहेंगे तो स्किप कर पाएंगे, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भरना है और ईमेल आईडी का डोमेन नेम आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, जीमेल या फिर हॉटमेल जो भी होगा वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। देन आपको उसी ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको शो कर रहा है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। देन आपको यहाँ पे सिंपली सेव और नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाले होंगे और ईमेल आईडी डाले होंगे, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एक मैसेज और मेल चला गया होगा कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पे अभी आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक टिक मार्क लगाकर कंफर्म कर लेना है कि हाँ ये मेरा फोटो है और हाँ ये मेरा सिग्नेचर है, तो यहाँ पे टिक टिक मार्क लगा देना। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे डिटेल्स कुछ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल्स में आपको क्या भरना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर और आईटी ऑफिसर दो पोजिशन के ऊपर वैकेंसी निकाला गया, तो आप जिस भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएससी या फिर जनरल है, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से चूज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एससी चूज करता हूँ, एससी चूज करने के बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो क्या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर फिजिकल डिजेबल कैंडिडेट्स हो तो, और आपका जो डिजेबिलिटीज है वो 40% से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे यस माने, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो माने, अगर यस मारते हो तो आपको यहाँ पे डिजेबिलिटी का कुछ डिटेल्स देना है, किस टाइप का डिजेबिलिटीज है और कितना परसेंट का है वो सब आपको यहाँ पे देना है, लेकिन अगर आप नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट 1984 राइट्स के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप फैमिली मेंबर या फिर चाइल्ड हो, मतलब जो लोग 1984 राइट्स में मर गए थे उनका कुछ आप रिलेटिव हो क्या, अगर हो तो आपको यहाँ पे यस मानना है, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो मारना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिलीजन टू व्हिच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं मेरे हिसाब से चूज कर लेता हूँ, आप आपके हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए और क्या आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आपका जो रिलीजन है वो क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग्स करता है, अगर हाँ तो यस, अगर ना तो यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो आपको यहाँ पे सिंपली यस मानना है और आपका यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का डिटेल्स देना है, कब ज्वाइन किए थे, कब छोड़े थे, वो सब कुछ देना है, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेशनलिटी और सिटीजनशिप, आपका जातीयता क्या है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट टू व्हिच सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिलोंग्स, मतलब आप कौन सा स्टेट को यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए देना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं उड़ीसा चूज कर लेता हूँ, आप यहाँ पे आपके हिसाब से चूज कर लेना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो, उस स्टेट के अंडर जितना सारा एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे देखिए मुझे 3 शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं भुवनेश्वर को चूज कर लेता हूँ, आप यहाँ पे आपके हिसाब से चूज कर लेना। देन यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे फर्स्ट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, तो यहाँ पे डेट, देन आपको यहाँ पे
मंथ और यहाँ पे ईयर आपको चूज करके पुट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है या फिर अदर से जो भी है वो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्विन ब्रदर और सिस्टर, तो क्या आपका जुड़वा भाई और बहन है, अगर है तो आपको यहाँ पे यस मानना है, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे नो मानना है, अगर यस मानते हो तो ट्विन ब्रदर और सिस्टर का यहाँ पे नाम आपको पुट करना है और उसका जेंडर आपको यहाँ पे पुट करना है, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए आर यू मैरिड और अनमैरिड, उसके देखिए यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है, क्या आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर विडो हो या फिर डिवोर्स्ड हो, जो भी हो वो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से पुट करना है। देन यहाँ पे देखिए फादर्स नेम, देन यहाँ पे मदर्स नेम, देन यहाँ पे स्पाउस नेम अगर मैरिड हो तो, ओके। उसके देखिए यहाँ पे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, देन आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, देन आपको यहाँ पे आपका स्टेट और यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है। और उसके नीचे यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर है तो आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है, देन ऑटोमेटिकली आप जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भरे होंगे वो यहाँ पे कॉपी होकर आ जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे फिर से आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल्स भरना है, ओके। देन आपको यहाँ पे आपका एड्रेस चूज कर लेना है कि कौन सा एड्रेस के ऊपर आपको यहाँ पे जीएसटी लगाना है, परमानेंट या फिर प्रेजेंट एड्रेस, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स, इसको वैलिडेट कर लेना है जो डिटेल्स डाले हो, देन आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन डिटेल्स आपको डालना है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किए हो तो उसका डिटेल्स, और यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर कुछ डालना चाहते हो तो उन सब चीजों का डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन डिटेल्स में आपको क्या डालना है, फर्स्ट आपको यहाँ पे आपका डिग्री, सब्जेक्ट और स्ट्रीम, मतलब आप कौन सा फील्ड से ग्रेजुएशन पास कर रखे हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको डालना है और यहाँ पे क्लास और ग्रेड, कौन सा ग्रेड या फिर कौन सा क्लास है आप यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन पास किए हो वो आपको यहाँ पे चूज करके पुट करना है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स डालना है, जैसे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, नाम क्या था, डेजिग्नेशन क्या था, कब से ज्वाइन किए थे, कब तक ड्यूटी किए, उन सब चीजों को आपको यहाँ पे डालना है, अगर नहीं किए हो तो इसको छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस, ओके, तो आप कौन सा लैंग्वेज जानते हो, ओके, उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, और यहाँ पे टिक मार्क लगाना है कि हाँ मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और बोल सकता हूँ, वो आपको यहाँ पे देना है, टिक मार्क लगाना है, इंग्लिश हिंदी और कुछ मदर टंग डाल देना, उसके बाद इन सब चीजों को वैलिडेट कर लेना, देन आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो भी कुछ डाले होंगे उसका एक प्रीव्यू आपको यहाँ पे अभी शो कर रहा है, ओके, तो इन सब चीजों को एक बार अच्छे से देख लेना, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं भर दिए। अच्छे से देखने के बाद आपको क्या करना है, एकदम नीचे आकर आपको यहाँ पे आई एग्री के ऊपर टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है, मतलब अगर आपका सब कुछ सही है, मतलब आप अभी यहाँ पे कुछ भी और एडिट नहीं करना चाहते हो, कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना चाहते हो, तो आपको अभी यहाँ पे ओके मानना है, क्योंकि इसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ भी चेंजेस करने नहीं दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी आपको कुछ अपलोड्स करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि आपका थंब इंप्रेशन और यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो इन दोनों चीजों को आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, मतलब फोटो फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो इन दोनों को अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड शो कर रहा है उसको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये दोनों चीज अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आपको यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है। पेमेंट हो जाने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे पर्सनली अप्लाई नहीं करना है, मैं बस आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इसी वजह से इतना कुछ करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अननेसेसरी क्यों इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरूँ या फिर इसका प्री पेमेंट करूँ, इसी वजह से मैं बस आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इसी वजह से इतना कुछ करके दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करके आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा और एक नया एंड लेटेस्ट जॉब अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।